नगदा नगर पालिका की एक और लापरवाही सामने आई है, जहां पेयजल टंकी को सुधारने के लिए 3 साल पहले ही पाइप आ चुके थे, पर किसी भी नगर पालिका के अधिकारी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। पाइपों में जगह जगह लीकेज हो गए हैं, जिससे पानी काफी मात्रा में बाहर की ओर बह रहा है। वहीं पाइप की मियाद 20 साल की है, जो कि अब पूरी हो चुकी है। नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि भार्गव कॉलोनी स्थित टंकी पर पहुंचे और पाइपों का जायजा लिया। वहीं वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत व जल कार्य सभापति प्रकाश जैन ने कहा कि शहर में 4 स्थान चिन्हित किए हैं, जहां लीकेज की वजह से कम प्रेशर और गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। इन 4 स्थानों पर सुधार कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा, सभी शहरवासियों को साफ और स्वच्छ जल मिल सके। मैंने यहाँ हमारी वाटर वर्क की पूरी टीम से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि लगभग 2.5 साल पहले से इन 4 पाइपों को बदलने की योजना थी, और 2.5 साल पहले यहाँ पाइप भी आ गए थे। लगभग 3 साल पहले ऐसी ज़रूरत महसूस की गई कि इनको बदला जाए, लेकिन बड़ा चैलेंज ये था कि जब ये पूरा रिपेयरिंग कार्य होना है, तो इस दौरान लगभग 7 से 8 दिन सप्लाई प्रभावित रहने वाली है। हालांकि हमने व्यवस्था की है कि हम दूसरी टंकी से सप्लाई देंगे, लेकिन हम दोनों समय सप्लाई नहीं दे पाएंगे, सिर्फ 1 समय सप्लाई देंगे। तो ये बड़ा चैलेंज था,